दोस्तों, पिछला साल सभी लोगों से कुछ ना कुछ लेकर के गया है, कुछ ना कुछ छीन करके गया है। किसी के सपने ले गया है तो किसी के अपने लेकर के गया है, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ सिखा करके, कुछ दे करके भी गया है। ज़िंदगी का एक तजुर्बा, तजुर्बा भी एक ऐसा कि लोग चाहते हैं कि ऐसा साल कभी वापस ना आए। आज नया साल है और आप सभी के लिए इस नए साल की इस पुस्तक का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जो कि बिल्कुल कोरे कागज की तरह है। और इस कोरे कागज पर क्या लिखना है, हम सबको सोचना होगा। क्या हम इस साल को भी पिछले साल की तरह जाने देंगे, या फिर इसे बेहतर बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे टिप्स, ऐसे चीज़ें देखेंगे जो हमारे आने वाले समय और हमारे ज़िंदगी के तौर तरीकों को पूरी तरह बदल देगा और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आप सभी का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपना वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने जीवन में याद रखनी है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका खुद चुनना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे अनुभव से आपके ज़िंदगी जीने के केवल दो ही तरीके हैं। पहला तरीका कि जो हासिल है आप उसे पसंद करना सीखो, मतलब जो चीज़ें आपके पास, जो संसाधन आपके पास है उसके हिसाब से ज़िंदगी जीना सीख लीजिए। या फिर जो चीज़ें आपको पसंद है, जो आपका लक्ष्य है, उसे आप हासिल करना सीखो। ज़्यादातर मामलों में लोग ज़िंदगी के पहले तरीके को अपना लेते हैं क्योंकि उनके पास सही विकल्प की कमी होती है। लेकिन आज आपके पास दूसरा विकल्प भी है कि ज़िंदगी में आपको जो पसंद है, जो आपका लक्ष्य है, उसे हासिल करना सीखो, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है तो चुनना आपको है। बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपने अक्सर सुना होगा ये लोगों के मुँह से, ये वाक्य बहुत अपने की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये वाक्य। क्यों? ज़्यादातर हम किसी पर जब अपना प्रभाव जमाते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। पहली बार में हमारा इम्प्रेशन अच्छा जाना चाहिए, चाहे वो इम्प्रेशन आपके ड्रेस कोड का हो, चाहे आपकी बातों का हो, चाहे पर्सनैलिटी का हो। क्योंकि अगर पहला इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ जाता है तो आने वाले समय में वहाँ पर आपका प्रभाव हमेशा बना रहेगा। सो सेकेंड पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है। बात करते तीसरे पॉइंट की कि छोटी शुरुआत के साथ बड़ी सोच बनाइए। आपको सोचना बड़ा है लेकिन शुरुआत छोटी छोटी करनी है, क्योंकि आपकी बड़ी सोच को पूरा करने के लिए छोटी छोटी शुरुआत होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप जिस चीज़ की शुरुआत करें उसे पूरा कर दें, उसे पूरा भी जरूर करिए। क्योंकि बहुत से लोग इस वजह से भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे अपना काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि जो चीज़ आपने शुरू की है उसको आपको ख़त्म भी करना है। बात करें चौथे पॉइंट की, डेली टास्क बनाइए। डेली आपको छोटे छोटे टास्क बनाने हैं, क्योंकि अपने लिए रोज़ाना टास्क एक छोटा सा ही सही, एक छोटा सा गोल आपको बनाना है। क्योंकि जब आप छोटे छोटे टास्क बनाते हैं और वो टास्क पूरे होते हैं तो आपको खुद से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और आप कुछ ज़्यादा करने की चाहत बढ़ती जाती है। जैसे होता ना कि मान लो हमें 10 रुपये मिल गए, कम से 10 की जगह 20 मिल जाए, छोटा टास्क पूरा होता तो हम बड़े की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये आपको मोटिवेट करता रहेगा, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। सो बात करें पांचवें पॉइंट की, फेस प्रॉब्लम विद कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो हम भागना स्टार्ट कर देते हैं, हम उसे बचने की कोशिश करते हैं। तो भाई अपने प्रॉब्लम को फेस करना सीखिए, क्योंकि समस्या से भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समस्या बढ़ती रहती है और उसका समाधान नहीं मिल पाता। तो अपने हौसले से, अपने कॉन्फिडेंस से उस प्रॉब्लम को फेस करिए तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि समस्या आपकी है तो कोई और व्यक्ति नहीं आएगा उसका समाधान देने के लिए, उस समस्या का समाधान आपको खुद करना होगा। तो आई विश ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ आई होंगी और ये टिप्स आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली हैं। और आप इस नए साल को खूबसूरत बनाने के लिए आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के बीच शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आप किस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं आज से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो हम चाहते हैं हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दो लाइनें हैं आप सभी के लिए, शायद आपने पहले भी सुनी हो कि मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो वी विश यू हैप्पी न्यू ईयर ऑल माई लवर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर With my blessings, we wish you happy new year. पूरे सक्सेस स्टडी अकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं
ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनका आज का दिन भी बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाए और वो भी एक नए साल की शुरुआत ठीक प्रकार से कर पाए। धन्यवाद।